बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाहर किचन। आज हम बनाएंगे कर्नाटक की शादियों वाला गुलखन का मीठा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो YouTube से मुझे थैंक्स बटन मिला है, लेफ्ट साइड स्क्रॉल कीजिए, आपको थैंक्स बटन नज़र आ जाएगा। आप उसको टच करके आप चाहे जितनी मर्जी हो उतना मुझे गिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए इसे अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध ले रही हूँ, ये गाढ़ा दूध है। 100 ग्राम जितना गुलखन, 200 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क, ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी की लिंक चाहे तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी। मैंने इसको 15 दिन पहले बनाया था, ईद से एक रात पहले। थोड़े से काजू बादाम और पिस्ते को मैंने भिगो कर रख दिया है, इसको हम चॉप कर लेंगे बाद में। 4 हरी इलायची ले रही हूँ, रोज एक्सट्रैक्ट, 200 ग्राम जितना खोया, खोए को मैंने ग्रेट कर लिया है, मैंने इसको बेकरी से मंगाया था, नंदिनी खोया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लेन केक, इसको हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे प्लेन केक मंगवाया है, ये 250 ग्राम जितना है ये। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध को मैं कट करके पैन के अंदर डाल दूंगी। देखिए मैंने दूध को पैन के अंदर डाल दिया है, गैस ऑन करके दूध को थोड़ा बॉईल कर लेंगे। दूध में उबाल आने तक तब तक काजू बादाम और पिस्ते को चॉप कर लेंगे। देखिए मैंने काजू बादाम और पिस्ते को चॉप कर लिया है, इसको थोड़ी देर साइड में रख लेंगे। अब एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर प्लेन केक डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से सभी केक के ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल देंगे। देखिए मैंने सभी प्लेन केक के ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल दिया है, इसको हाथों से थोड़ा इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे। देखिए मैंने सभी केक को मोटा मोटा क्रम्बल कर लिया है। अब दूध की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारे दूध में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। अब ये अच्छे तरीके से उबल रहा है, इसके अंदर केक डाल देंगे। डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारा केक दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, पूरा दूध भी सोख लिया है। अब इसके अंदर ग्रेट किया हुआ खोया डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क, थोड़े से कटे हुए काजू बादाम डाल रही हूँ। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट तक पका लेंगे। मैंने इसके अंदर शक्कर नहीं डाला है क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है और गुलखन भी डाल रही हूँ, गुलखन में तो बहुत शक्कर होती है, आप सभी जानते हो, इसीलिए मैं इसके अंदर शक्कर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक और अच्छे तरीके से पक चुका है।
अब इसके अंदर गोलखन डाल रही हूँ। गोलखन को हम कट कर लेंगे, पैकेट को कट करके इसके अंदर पूरा डाल देंगे। देखिए मैंने पूरा गोलखन डाल दिया है, और बचा कुचा हो तो निकाल के डाल सकते हो। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा गोलखन भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ, 3 से 4 ड्रॉप जितना। इससे बहुत अच्छा कलर और खुशबू आ जाएगा। और ये मीठा बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया था लास्ट वीक, मेरे भाई के बेटी की शादी थी वहीं पर ये बनाया था मीठा, मैंने खाकर देखा था, बहुत ही मज़े का बना था, इसीलिए मैं आज ये गुलखन का मीठा बना रही हूँ। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब एक इमाम दस्ते में मैंने इलायची के दाने को खोल कर डाल दिया है, अब इसको हम कूट लेंगे। देखिए मैंने इलायची के दानों को कूट लिया है, दरदरा इसके अंदर डाल देंगे, डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके गैस ऑफ कर देंगे। देखिए मैंने गुलखन के मीठे को सर्व कर लिया है। सर्व करने से पहले मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था चिल्ड होने के लिए। ये ठंडा ठंडा बहुत मज़ा आता है खाने में। इसमें जो बच गया था गुलखन उसको मैंने 1 कप में निकाल लिया है, 1 टीस्पून जितना निकला है। अब इसमें 1 ड्रॉप रोज एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम गार्निश कर देंगे, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और बचे हुए काजू बादाम और पिस्ते से भी गार्निश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कर्नाटक की शादियों वाला गुलखन का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।